नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए कैसे क्विज कंडक्ट कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो क्विज बनाने के लिए सबसे पहले अपने गूगल पेज पर आप जा करके टाइप करेंगे गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म, और इसे आप सर्च करेंगे। जब आप तो ये गूगल फॉर्म का एक लिंक आएगा, इसमें गूगल फॉर्म का एक लिंक आएगा, लिंक को हम क्लिक करेंगे गूगल फॉर्म साइन इन। तो साइन इन में ये आपकी जो जीमेल आईडी लॉगिन होगी उसमें ऑलरेडी पहले से होगा ये। तो टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए ये आप, मैं मोबाइल से बना रहा हूँ मोबाइल व्यू में, क्योंकि सभी लोग मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए इस समय। तो मोबाइल में कैसे इसको बनाएंगे वो देख रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे ऊपर यूटिलिटी फॉर्म, यूटिलिटी फॉर्म नीचे भी लिखा हुआ, ये टेस्ट का नाम देने के लिए है। क्वेश्चंस रिस्पॉन्स, ऊपर में एक साइन बन रहा है जो पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, एरो साइन है, तीन डॉट है। पहले हम तीन डॉट पर क्लिक करेंगे और इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद जनरल सेटिंग दी हुई है, सबसे पहले आप क्विज पर जाइए, क्विजेज, क्विजेज में मेक दिस अ क्विज, तो आपका जो गूगल फॉर्म है वो क्विज के फॉर्म में आ जाएगा। और इमीडिएट आफ्टर ईच एडमिशन, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, इसमें कई चार्जें दी रही हैं जो जैसे क्वेश्चन जो जब इमीडिएट सबमिट किया जाएगा तो तुरंत उसका सारा रिस्पॉन्स ये दिखाएगा। ये इसके बाद में प्रेजेंटेशन एक ऑप्शन है, इसमें भी और सारी सेटिंग्स के ऑप्शन है, रीसफल्स क्वेश्चन ऑर्डर, क्वेश्चन की रीसफलिंग हम कर सकते हैं, शो प्रोग्रेस बार, और भी चीज़ें हैं जैसे कोई इसमें बच्चा क्वेश्चन अटेंड करता जा रहा है तो उसकी अपनी प्रोग्रेस को बीच बीच में शो करता रहता है, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, रीसफलिंग आप कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं जनरल सेटिंग पे। जनरल सेटिंग में कलेक्ट ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लें या ना लें, लिमिट वन रिस्पांस इसको आप कर सकते हैं, बच्चा एक टेस्ट एक ही बार कंडक्ट करे, नहीं तो वो बार बार रिस्पांस करेगा तो आपका अननेसेसरी का ये रिस्पांस बढ़ता जाएगा। रिस्पांस रिस्पॉन्ड कैन एडिट आफ्टर सबमिशन टेस्ट, क्योंकि एक बार होता है तो आफ्टर सबमिशन इसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं देना है। तो इस तरह से इसको हम सेटिंग को सेव कर लेंगे। अब हम आएंगे अपने यूटिलिटी फॉर्म में, तो एक हम पहले टेस्ट का नाम देते हैं, सपोज करिए मैंने एग्जांपल के लिए दे दिया मैथ्स टेस्ट फॉर जनवरी, ठीक है। तो एक हमने ये हमने टेस्ट के क्विज का नाम दे दिया मैथ टेस्ट फॉर जनवरी, जनवरी मंथ के लिए। इसी को आप अपने यूटिलिटी फॉर्म का नाम भी दे सकते हैं, तो ये हमारा मैथ टेस्ट फॉर जनवरी लिख करके आ गया ये। और अब हम इसमें टेस्ट को अपना बनाना शुरू करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस पहले होते हैं जो हमको उनसे पूछने ही है, जैसे नेम, बच्चे का नाम, नाम देने के लिए यहाँ साइड में जो शॉर्ट आंसर लिखा है इसको जब सेलेक्ट करेंगे आप, तो शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, ड्रॉप डाउन, ये सब आंसर देने के मीडियम है। शॉर्ट आंसर, छोटा आंसर अगर देना है एक लाइन में, पैराग्राफ फॉर्म में देना है, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, कई सारे ऑप्शन है जिसमें सब दो या तीन सही है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन ऑप्शन, आप आंसर पहले से रखें बना करके और ड्रॉप डाउन में केवल बच्चा आंसर चूज़ करेगा, तो इस तरह से ऑप्शन दिया है। तो हमने ये नाम शॉर्ट आंसर टाइप चूज़ किया है। इसके बाद में ये फील्ड रिक्वायर्ड कर दीजिए आप, आंसर की, यहाँ पर आंसर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फील्ड है ये।
नया क्वेश्चन ऐड करने के लिए नीचे देखिए प्लस साइन दिख रहा है, प्लस साइन से हम यहाँ पर एक नया क्वेश्चन फील्ड ऐड कर सकते हैं। इसमें लिख देंगे हम बच्चे का क्लास। तो क्लास के बाद में आप चाहें तो यहाँ पर बच्चे का क्लास डालने के लिए ऑप्शन डाल दीजिए, या आप चाहें तो इसको मल्टीपल चॉइस ही बना सकते हैं। जैसे मैंने मल्टीपल चॉइस अगर बनाना है तो जैसे हमने दे दिया क्लास सिक्स हो गया, अलग ऑप्शन में ऐड करेंगे हम, तो मान लीजिए हमने डाल दिया यहाँ पे क्लास सेवन, ऐसे ही एक क्लास हमने और ऐड कर लिया क्लास एट। तो ये हमारा तीन ऑप्शन हो गया और सिक्स सेवन एट तीन क्लास के लिए हमने मान लीजिए कंडक्ट किया टेस्ट, ये भी रिक्वायर्ड फील्ड होगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन भी जरूरी है जानना बच्चों का, सेक्शन। तो सेक्शन हो गया यहाँ पर ए, इस तरह से हो गया एक सेक्शन ए बी सी डी। ए बी सी मान लीजिए हमने ए बी सी, ये सीक्वेंस बदल गया है तो हम इसको देख ले रहे हैं, ए ए सी बी, आप इसको ए बी सी भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है ये। इसके बाद में फिर अगले ऑप्शन में हम चलते हैं, इसको हम सी कर लेते हैं, ये अटपटा लग रहा है थोड़ा सा, ये बी। तो अभी हमारा ऑप्शन ए बी और हो गया ये सी। तो ये हमारा कोई सेक्शन के लिए ऑप्शन चूज हो गया। इस फील्ड को भी रिक्वायर्ड कर देते हैं और इसके बाद में अब हम नेक्स्ट फील्ड लेंगे। चाहे तो आप स्कूल नेम भी डाल सकते हैं, अगर आप ये क्विज अपने स्कूल के लिए कर रहे हैं तो बच्चा अपना कीवी का नाम डालेगा, और अगर बाहरी स्कूल होगा तो अपना वो स्कूल का नाम डालेगा। कभी कभी क्या होता है क्विज हमारा अपने साथियों में भी सर्कुलेट करते हैं तो वो बच्चे इस फील्ड को करेंगे। ये हमारी हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन जो टेस्ट शुरू करने से पहले चाहिए। आप चाहें तो इसी के तुरंत बाद क्वेश्चन डाल सकते हैं, और आप चाहें तो अलग एक सेट करेंगे, पहले ये पेज बच्चा भरेगा तब उसको अगले में क्वेश्चन आएगा। तो जहाँ से हम नीचे प्लस साइन यूज़ कर रहे थे, इसमें इसकी सबसे लास्ट में देखिए ये इक्वल टू का साइन बना हुआ है। तो जैसे ही इक्वल टू के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन टू जनरेट हो जाएगा। आफ्टर सेक्शन वन कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन क्वेश्चन टू। सेक्शन टू जो हमारा होगा लिख देंगे हम, ये कुछ भी लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शन आप, टेस्ट स्टार्ट, ऐसे हमने लिख दिया टेस्ट स्टार्ट। कुछ और इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं आप, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, इस तरह से आपने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया इनको। अब आप यहाँ पर ये पहला जो कॉलम आता है वो इंस्ट्रक्शन के लिए आता है, जिसमें हम लोग कोई ना कोई डिटेल टेस्ट के बारे में लिख सकते हैं। जैसे पेपर एग्जाम शुरू करने से पहले दिया जाता है नोट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस टाइम 130 मिनट, या रिस्पांस सबमिट अप दिस वन, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन ऐड करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं डालता हूँ ऐड, एक नंबर ले लिया हमने 3 + 5 फॉर एग्जाम्पल, इक्वल टू यहाँ पर आंसर बताना है आपको। ये मैंने क्वेश्चन बनाया, मैंने पूछा है 3 + 5 व्हाट इज़ दिस। आप मल्टीपल चॉइस अगर देंगे तो इसमें आप अलग अलग ऑप्शंस दे सकते हैं। तो 3 + 5
एट, एक आंसर मैंने एट दे दिया, मान लीजिए एक आंसर मैंने दे दिया थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाने के लिए इसको, 35 एक दे दिया हमने, 15 और एक दे दिया कोई भी, 30 फॉर एग्जांपल। तो ये हमारा, इसमें मैंने तीन चार ऑप्शन दे दिए हैं, और अब आप चाहे तो अब इसका हम आंसर की भी बना सकते हैं। आंसर की में पहले देख लीजिए क्वेश्चन कितने नंबर का देना है। तो मान लीजिए हमने 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया है, तो ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और सही आंसर क्या है, तो सही आंसर पर आप क्लिक कर लीजिए, ऐड आंसर फीडबैक्स, और लास्ट में इसको आप डन कर लीजिए। तो इस तरह से ये हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया। इसको रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे, क्योंकि बच्चा इस क्वेश्चन को, मान लीजिए जिसको नहीं आता है तो वो नहीं अटेम्प्ट करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ है, तो रिक्वायर्ड करना ज़रूरी नहीं, आप अगर चाहें तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ऐड करेंगे, डिफाइन लाइक पॉइंट, मैंने दे दिया है किसी पॉइंट ये को डिफाइन करिए। आप चाहे तो हिंदी में भी ऑप्शन लिख सकते हैं, बिंदु, मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है। तो यहाँ मैंने पूछा है बच्चे से डिफाइन पॉइंट्स, तो ये पैराग्राफ टाइप का आंसर होगा, तो इसको हमने पैराग्राफ चूज कर लिया है। यहाँ पर आंसर को बच्चों को रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको चेक करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बच्चा लिखेगा और जो आप सोच रहे हैं वो ये सेम नहीं हो सकता है। तो आंसर का नंबर तो आप बना सकते हैं, मान लीजिए हमने इस क्वेश्चन को 10 नंबर का दे दिया है, तो वो तो ठीक है, क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का तैयार हो गया, लेकिन आंसर फीडबैक आप यहाँ पर देंगे तो मैच नहीं करेगा, इसलिए आंसर फीडबैक आप छोड़ सकते हैं। बच्चा अगर आंसर देगा तो उसको पॉइंट मिलेगा, और आप बाद में उसको चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो गया। ये हमने दो क्वेश्चन बना लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक पिक्चर फॉर्म में भी कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई दिस फॉर एग्जाम्पल, तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि हमको एक आइडेंटिफाई कराने के लिए कुछ देना है। तो आप चाहें तो जो क्वेश्चन में ही आप उस पिक्चर को दे सकते हैं, कोई भी फोटो, तो कोई भी पिक्चर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने पिक्चर डाल दी है, इमेज लोड हो रही है, आइडेंटिफाई दिस, तो यहाँ पर दिख रहा है ये स्कूल की एक वेबसाइट है और इस पर दिखा रहा है ये, तो इसका हम ऑप्शन यहाँ डाल सकते हैं। ये वेबसाइट है, एक ऑप्शन हो गया, एक डाल सकते हैं स्कूल लिख दिया हमने, क्या ये कोई स्कूल है। इसी तरह से एक डाल सकते हैं, लिखा है न्यूज़ लेटर, मैंने डाल दिया न्यूज़ लेटर है क्या ये। इसी तरह से एक ऑप्शन डाल सकते हैं, एडवर्टीज़मेंट है क्या ये। तो ये कुछ देखिए, गूगल अपने आप भी सर्च कर रहा है ये। तो मेन हमारा पर्पज़ बताने का कि आप क्विज में एक कोई पिक्चर भी डाल सकते हैं मल्टीपल चॉइस फॉर्म में। तो ये हमारा एक, और इसमें रिक्वायर्ड नहीं करना है इसको, आंसर की आप सेट कर देंगे, इसका 5 नंबर का क्वेश्चन कर देंगे और इसका सही आंसर हम डाल देंगे वेबसाइट, और डन करेंगे। तो इस तरह से आप ये पूरा का पूरा क्विज आप तैयार कर लिए, और आप चाहें तो ऑप्शन में भी पिक्चर डाल सकते हैं। जैसे आपने लिख दिया कि मैंने
मैं अपने लिए बना रहा हूँ कि मान लीजिए आइडेंटिफाई मैं खुद के लिए लिख रहा हूँ आइडेंटिफाई के मिश्रा फॉर एग्जांपल बच्चों को मैं पूछा। अब मल्टीपल चॉइस में आप यहाँ पर पिक्चर भी दे सकते हैं, जैसे हमने पूछ लिया तो मान लीजिए इसमें पिक्चर देने के लिए कोई भी एक फ़ोटो हम निकाल करके यहाँ पर लगाएंगे, जैसे एक फ़ोटो मैंने अपनी ये लगा दी तो फोटो ऐड हो जाएगी, ऑप्शन वन में ही ऐड हो गई। इस तरह से आप ऑप्शन टू में ऐड कर सकते हैं, तो फोटो के लिए हमने ऑप्शन चूज कर लिया, दूसरी की फोटो एक अपलोड कर देते हैं। तो ये कैमरा आप डायरेक्ट कैमरा ऑन करके भी फोटो खींच सकते हैं, यहाँ पे कैमरा नहीं सेट ले रहा है, एक कोई और फोटो हम डाल दे रहे हैं इसमें। कोई भी एक पिक्चर डाल सकते हैं, इंसर्ट कर दिया मैंने, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन आ गया। ऐसे ही आप और भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, मैं दो ही ऑप्शन पे रख रहा हूँ और इसके लिए हमने पॉइंट डिसाइड कर दिए, तो ये हो गया पॉइंट और करेक्ट आंसर भी मैंने चूज़ कर दिया है और इस कंप्लीट क्वेश्चन को डन कर दिया है। अभी आपको पता है कि हम बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, आप उनका नोटबुक भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो एक हम क्वेश्चन ऐड कर दे रहे हैं इस तरह का कि अपलोड योर जनवरी मंथ का टेस्ट है ये, तो जनवरी मंथ एक्टिविटीज़, अपलोड योर जनवरी मंथ एक्टिविटीज़। तो इसमें आप बच्चे से उसकी नोटबुक की पिक्चर भी मंगवा सकते हैं या जो भी एक्टिविटी वो किया उसकी पिक्चर खींच के डाल सकता है ये। तो आपको ऑप्शन में यहाँ पर उससे हमको कोई ना कोई फाइल अपलोड करानी, तो नीचे देखिए फाइल अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो ये पूछता है यहाँ पर कि लेट्स रिस्पॉन्स अपलोड फाइल टू ड्राइव, तो ये फाइल ऑटोमेटिकली आपके ड्राइव में स्टोर होती जाएगी, जो आपकी गूगल ड्राइव होती है, जो भी बच्चा पिक्चर लोड करेगा ऑटोमेटिकली आपके ड्राइव में स्टोर होती जाएगी। तो यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और कंटिन्यू करने के बाद में आप देखेंगे कि हमने इसको पिक्चर मांगी है तो अलाउड टू ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल्स, मैक्सिमम मान लीजिए उसके पास पांच एक्टिविटी है तो पांच एक्टिविटी आप ले लीजिए, मैक्सिमम फाइल साइज ये रहेगी और स्पेसिफिक टाइप में बच्चा पिक्चर भी डाल सकता है, पीडीएफ फाइल भी डाल सकता है, डॉक्यूमेंट भी डाल सकता है। तो आप इसको ओपन करके उसको सेट कर दीजिए पीडीएफ फाइल इमेज और डॉक्यूमेंट्स, तो इसके अलावा फिर वो कोई बच्चा और किसी तरह की फाइल अपलोड नहीं लेगा। इसके लिए आप एक क्वेश्चन का नंबर भी डिसाइड कर दीजिए, मान लीजिए 10 नंबर मैंने दे दिया इस पर और आंसर यहाँ देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा अगर अपलोड करेगा तो उसको नंबर ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हमारा ये एक छोटा सा क्विज हमारा तैयार हो गया है। अब रिस्पॉन्सेज इसमें बता रहा था कि आपका रिस्पॉन्स गूगल ड्राइव में स्टोर होगा, तो गूगल ड्राइव में आप रिस्पांस को यहाँ पर देख भी सकते हैं, देखिए ज़ीरो रिस्पांस आ रहा है और एक्सेप्टिंग रिस्पांस, इस स्विच को अगर आप ऑफ करेंगे तो ये नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पांस, तो बच्चा टेस्ट को नहीं कंडक्ट कर नहीं दे पाएगा, ऑन करेंगे तो बच्चा दे पाएगा। जैसे आप उसको एक टाइम लिमिट दे दीजिए कि इतने दिन में तुम्हें टेस्ट को कंडक्ट करके सबमिट करना है तो वो यहाँ से सबमिट कर सकता है। इसके ठीक ऊपर एक प्लस साइन ग्रीन कलर का बना हुआ है, ये एक्सेल का फॉर्म है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक सीट बनेगी गूगल में ड्राइव में आपके एक्सेल सीट,
तो सारा रिस्पांस वहाँ पर ये जाएगा। पूछ रहा है क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट मैथ टेस्ट फॉर जनवरी रिस्पांसेस के लिए, तो इसको हमने यहाँ पर क्रिएट किया। मुझे लग रहा है मैथ की स्पेलिंग गलत हो गई है, आप लोग देख लीजिएगा क्रिएट रिस्पांस। तो इस तरह से ये एक एक्सेल फाइल बन गई है, एक हमने ईमेल आईडी में इसको ओपन कर लिया है, ये सीट खुल रही है। ये पूरी देख रहे हैं सीट, अब टाइम आएगा, स्कोर आएगा, नाम आएगा, क्लास आएगा, सेक्शन आएगा, स्कूल का नाम, पहले क्वेश्चन दिया है उसका आंसर, डिफाइन बिंदु, आइडेंटिफाई दिस, आइडेंटिफाई के मिश्रा सर अपलोड योर जनवरी मंथ एक्टिविटी। तो यहाँ पर उसका लिंक आएगा जनवरी मंथ एक्टिविटी का पिक्चर का, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाएगा। अब हम लोग अपने फॉर्म में आ जाते हैं, ये आपके गूगल ड्राइव में ये फॉर्म दिखाएगा इस तरह से। और अब हम अपने टेस्ट में चलते हैं, तो जस्ट अ मिनट, अपने टेस्ट में आ जाते हैं वापस। ये आ गया हमारा गूगल सीट, वहाँ जाके स्टोर हो गई है। एक बार हम इसकी स्पेलिंग को सही कर लेते हैं, मैथ टेस्ट फॉर जनवरी, हमने स्पेलिंग को सही कर लिया है। चलिए ये यहाँ से ये हमारा सीट चली गई है फिलहाल, लेकिन कोई बात नहीं, ये मिल जाती है, ये हमारे गूगल ड्राइव में स्टोर है, इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ तक हमने अपना टेस्ट बना लिया है और रिस्पॉन्सेस के लिए भी एक्सेल की तैयारी कर ली है। अब हम कुछ सेटिंग्स के बारे में बताते हैं। ऊपर जो आपको ये पेंटिंग वाला सिंबल बना था, इस पर क्लिक करने से कुछ इसमें आप कलर्स को सेट कर सकते हैं, हेडर्स लगा सकते हैं, जैसे मैंने इसमें एक हेडर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये एक हेडर अच्छा लग रहा है कलर का, तो ये हम इसको अपने इस क्विज के लिए हम यूज़ कर लेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन आयर में ये हमारा देखिए हेडर यहाँ लग जाएगा और इसके बाद एक क्विज दिखेगा। ये थोड़ा देखने में लुक वाइज अच्छा लगता है, आप इससे अपना कलर सेट कर सकते हैं, फॉन्ट सेट कर सकते हैं, फॉन्ट जैसे यहाँ बेसिक है, मैंने प्लेफुल फॉन्ट ले लिया है, इसको अप्लाई कर लिया तो अब हमारे क्विज का जो फॉन्ट है वो बदल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा एक क्विज तैयार हो गया है। अब इसको कैसे आपको शेयर करना है, तो शेयर करने के लिए इसमें सेटिंग में जाएंगे तो प्रीव्यू ऑप्शन आता है। आप प्रीव्यू ऑप्शन का मतलब है कि आप जो टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जैसे बच्चा देखेगा उस तरह से दिखेगा। ये यहाँ पर दिख रहा है नेम, क्लास, सेक्शन, और इस तरह से ये पूरी फील्ड भरेगा, तब ये नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएगा। वो यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये अगले ऑप्शन में जाएगा। जैसे एक करके हम आपको दिखाते हैं, मैंने अपना नाम डाल दिया है, नाम के बाद में क्लास मान लीजिए ले लिया हमने सेवेंथ क्लास, सेक्शन ए ले लिया है, स्कूल ले लिया है केवी, इस तरह से, और नेक्स्ट पे जाएंगे। फिर आप तो नेक्स्ट पे जाते ही फिर आपका टेस्ट खुल जाएगा, मैथ टेस्ट फॉर जनवरी, अटेम्प्ट योर ऑल क्वेश्चंस, मैंने आंसर पूछा मान लीजिए 8 पहला दे दिया, दूसरा कह दिया डिफाइन को डिफाइन करिए, इसको मैंने मान लीजिए मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, फिर आइडेंटिफाई दिस, दिस इज़ द वेबसाइट, मैं इसको सही दे रहा हूँ, आइडेंटिफाई के मिश्रा ऑप्शन 1 चूज़ कर लिया मैंने,
अदर में भी एक ऑप्शन इसमें डल गया है, कोई बात नहीं, अपलोड फाइल पे आ रहा है, तो आप कोई भी फाइल है उसको आप अपना अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए कोई भी प्रीवियस फाइल यूज़ करने के लिए पूछेगा ये, तो कैमरा आप अपना ऑन करेंगे और इस तरह से ये इसकी इमेज ले लिया आपने, ओके कर लिया और ये इमेज फाइल हमारी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने पांच फाइल का ऑप्शन चूज़ किया था, तो ये पांच फाइल आराम से ये स्टोर कर सकता है। ये स्टोर होने के बाद में बच्चा अपना आंसर सबमिट करेगा और लास्ट में अपना वो स्कोर भी देख सकता है। थोड़ा अपलोड हो गया है और ये सबमिट करेगा। सबमिट करते ही ये टेस्ट इसने कंप्लीट कर लिया। व्यू द स्कोर, अपना ये स्कोर देख सकता है, जैसे 15 35 नंबर में 15 नंबर मिला है। नाम तो ये ठीक था, आगे का टेस्ट में देखिए पहला क्वेश्चन सही था, दूसरा का आंसर नहीं दिया तो हमको ये 10 नंबर मुझे नहीं मिला, ये आइडेंटिफाई करना था 5 नंबर ये मुझे मिल गया, दो और प्लस एक इस पिक्चर का था 5 नंबर मिल गया 15 नंबर, और लास्ट वाले के लिए मैंने 10 नंबर दिया था। तो ये फाइल एक्सेप्ट नहीं किया है, तो ये हो सकता है 5 फाइल हो, लेकिन ये मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए, कुछ हो सकता है टेक्निकल इशू हो। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये आप इस तरह से आप टेक्स्ट को पूरा कंडक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में बात आती है अपने रिस्पांस को देखने की, तो जो आपने पहले जो बनाया था आपका, तो टेस्ट का रिस्पांस अब हम देखना चाह रहे हैं अपना, तो यहाँ पर आके देख सकते हैं। देखिए एक रिस्पांस आ गया है, तो हम ये अपने रिस्पांस पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए एक किसी एक ने ये रिस्पांस किया था मेरा जो था वो, देखिए यहाँ दिख रहा है किसने किया है, नाम उसका दिख रहा है और किस कुछ क्लास के लिए ऐसे रिस्पांस किया है, जैसे 7th क्लास रेड कलर से है ये, तो ये पूरा ग्राफ फॉर्म में दिखाता है ये। और इस रिस्पांस को अपनी आप एक्सेल सीट में भी देख सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक्सेल सीट पे अपने क्लिक करिए आप, तो ये आपकी एक्सेल सीट खुल जाएगी यहाँ पर। तो ये एक रिस्पांस यहाँ पर रिकॉर्ड होना चाहिए, ये देखिए आ गया है रिस्पांस यहाँ पर, सुबह 6:35 पर रिस्पांस किया है, पूरा डिटेल है, डेफिनेशन नहीं लिखी तो नहीं आया। ये हमारे पिक्चर का ये लिंक है जो मैंने पिक्चर डाली थी इसमें, ये आपको ये पिक्चर आप देख भी सकते हैं, ये ड्राइव में जा कर के सेव हुआ है। ओपन करेंगे तो इसको ये ड्राइव में जाके दिखाएगा ये फिल्म कौन सी डाली हुई है मैंने, जो पिक्चर में खींच के अपलोड किया, देखिए दिख रहा है ये। तो इस तरह से आप ये पूरा का पूरा टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। कंडक्ट करने के बाद में इसके रिकॉर्ड को अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ज़्यादा इस रिकॉर्ड कीपिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सारा रिकॉर्ड आपके एक्सेल में रहेगा। जब आप आपको मांगा जाएगा आप दिखा भी सकते हैं। तो इस तरह से ये एक गूगल क्विज बहुत ही अच्छा टूल है, आप इसको यूज़ करिए और अपने रिस्पॉन्स को आप ज़रूर दीजिए, रिस्पॉन्स करिएगा। धन्यवाद।